साथियों नमस्कार, अर्जक टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्जक टीवी चैनल। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं माननीय विजय कुमार बौद्ध। आप विजय जी, आप जगदेव प्रसाद पे, भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद पे एक संगीत सुनिए। ऐसे तो जगदेव बाबू के विषय में थोड़ा आप लोगों के बीच में बता दे रहा हूँ। जगदेव बाबू कुर्था क्षेत्र में जन्मे, ग्राम हुआ कुरहारी, और ये जब से इनका विचार पूरे भारत का मत कहिए बल्कि पूरे देश में फैलने लगा, तो देख करके लोग दंग रह गए कि सचमुच में जगदेव बाबू शेर की तरह दहाड़ते हैं, क्योंकि वे 90 सैकड़ा के लिए लड़ाई लड़ते थे। कहते थे, उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, देश का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, शोषित समाज दल जिंदाबाद, शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो जगदेव बाबू एक सच्चे और एक अच्छे विचार के थे। उन्होंने हक हिस्सा के लिए लड़ाई लड़े, 90 सैकड़ा के लिए लड़ाई लड़े। तो उनके सहयोगी भाई बंधुओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो जगदेव बाबू के सच्चे मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके विचारों को सोचे समझे तब हमें कुछ मिल सकता है। नहीं तो जिस तरह से तोता मैना पिंजड़े में बनकर गुलाम बैठा है, उस तरह से ज़िंदगी बिताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने हक हिस्सा के लिए आप अपने कदम को आगे बढ़ाते रहें। जगदेव बाबू पर मैं आप लोगों को संगीत की दुनिया में ले जा रहा हूँ। कैसे? पहले शेर के माध्यम से कि जगदेव बाबू का नाम लेना फर्ज है, क्योंकि उनका हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। जगदेव बाबू का नाम लेना फर्ज है, क्योंकि उनका हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। जो भूल गए जगदेव को यही तो दुख दर्द है, और जो नहीं भूले हैं जगदेव को वही तो सच्चे मर्द है, वही तो सच्चे मर्द है, वही तो सच्चे मर्द है। और कहते हैं एक शेर कि अपने दिल से ऐसा आवाज़ लगाओ कि जगदेव का दीवाना बन जाओ। अपने दिल से ऐसा आवाज़ लगाओ कि जगदेव बाबू का दीवाना बन जाओ, और कभी उल्फत की आग न बनाओ कि किसी का तुम परवाना बन जाओ, किसी का तुम परवाना बन जाओ। अब संगीत के माध्यम से मैं ले जा रहा हूँ जी संगीत की दुनिया में। कैसे? जगदेव बाबू पर संगीत। कि शोषित ललनवा बनी हो ना शोषित, जगदेव बाबू के अनुयायी एक साथी और दूसरे साथी के पास जाकर कैसे कह रहे हैं कि शोषित ललनवा बनी हो ना शोषित, ललनवा बनी हो ना जगदेव बाबू के इहे बा एलनवा शोषित ललनवा बनी हो ना शोषित, ललनवा बनी हो ना हो शोषित ललनवा बनी हो ना जगदेव बाबू के इहे बा एलनवा शोषित ललनवा बनी हो ना जगदेव बाबू के इहे बा एलनवा शोषित ललनवा बनी हो ना त दुफरवारी के कुर्था में मेला लगे हर साल हो। दुफरवारी के कुर्था मेला लगे हर साल हो। शास्त्री चंदन और चौधरी जी दिहले बहुत मिसाल हो। शास्त्री जी चंदन और चौधरी जी दिहले बहुत मिसाल हो। कहलन शोषित समता ला कर, कहलन शोषित समता ला कर बनी जाय बिष महानवा शोषित ललनवा बनी है ना जगदेव बाबू के इहे बाय ललनवा शोषित ललनवा बनी है ना शोषित ललनवा बनी है ना हो शोषित ललनवा बनी है ना।
जगदेव बाबू के ये बायलनवा सोसिता ललनवा बनिहना जगदेव बाबू के ये बायलनवा सोसिता ललनवा बनिहना। आगे के जानता कैसे कि क्रांति लाओ देश को बचाओ नब्बे का तुम हक खुद पाओ। जगदेव बाबू कहते हैं देखो साथी तुम्हारा हक नब्बे का है अपना हक लिए।